नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा जैसे अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा घोषित लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की जो पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, ये जो लिमिटेड कैशलेस मेडिकल पॉलिसी है, ये अप टू डेट जो भी हरियाणा सरकार के द्वारा अमेंडमेंट भी जारी किए हैं अब तक, वो मैंने इसमें सारी अकोमोडेट की हैं और उनको शामिल करने के पश्चात ही मैं आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूँ। आइए हम समझते हैं कि लिमिटेड कैशलेस मेडिकल पॉलिसी क्या है और ये किन पर लागू होती है और ये किन हॉस्पिटल में लागू होती है, इसके सेलेंट फीचर्स क्या हैं वगैरह वगैरह, सभी बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। इस वीडियो में जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसका मकसद केवल ये नहीं है कि मैं आपको केवल ये बताने जा रहा हूं कि ये हरियाणा सरकार ने एक मेडिकल फैसिलिटी दी है कैशलेस की। इसके साथ साथ मैं इसकी जो बारीकियां हैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि सभी हरियाणा सरकार के कर्मचारी या पेंशनर या फैमिली पेंशनर जो भी हैं और उनके डिपेंडेंट वगैरह, उनके इलाज के लिए यदि कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी आ जाती है अचानक और उस समय लाइफ को थ्रेटन है और लाइफ सेविंग करनी है, तो उस समय कई बार क्या होता है, हाथ में पैसा नहीं होता क्योंकि कर्मचारी इतने धनाढ्य नहीं हैं या पेंशनर इतने धनाढ्य नहीं है कि उनके हाथ में मोटा पैसा हो, लाख दो लाख रुपए, पाँच लाख रुपए, जिस पे एकदम अस्पताल में खर्चना पड़ता है। तो उस लिए सरकार ने ये सुविधा दी है अपने कर्मचारियों पेंशनरों को कि पैसा ना होने की स्थिति में लाइफ थ्रेटनिंग पोजिशन की जो कंडीशन आती है बीमारी के माध्यम से, उससे कैसे निपटा जाए, और ये पॉलिसी वहीं काम आ रही है। इस को लागू करवाने के लिए हमें भी चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ एम्पैनल हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो एम्पैनल किए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा, वहां पे व्यापारीकरण है, वो मनमाने दान मांग लेते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने इनको एम्पैनल इसीलिए किया है कि हरियाणा सरकार की शर्तों पर वो इलाज करेंगे, हरियाणा सरकार की शर्तों पर ही वो पैसा चार्ज करेंगे, और इस कैशलेस पॉलिसी का दुरुपयोग ना हो किसी भी लेवल पर, हॉस्पिटल के लेवल पर या कर्मचारी के लेवल पर, उसके बारे में भी सरकार ने कुछ सचेत किया है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से जूझने के लिए ये पॉलिसी है, और इसके क्या फायदे हैं हमें वो सारे समझें जरा। तो इसलिए मेरा वीडियो ध्यान से बिना स्किप किए देखें दोस्तों। चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। लिमिटेड कैशलेस पॉलिसी अर्थात लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी है क्या, देखिए आप अपने स्क्रीन पर, सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, जो हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है, उनके द्वारा ये जारी की गई दिनांक 20/11/2017 के लेटर के माध्यम से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें तीन बार अमेंडमेंट हुई है जो मैंने रेफरेंस सामने दिखाए हैं स्क्रीन पर, 1/4/2018 को, 8/3/2021 को और 8/6/2021 को। ये अमेंडमेंट और जो ये इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन की थी सरकार के द्वारा, वो मैंने इसमें शामिल कर लिया, शामिल करने के पश्चात मैं आपको बता रहा हूँ इसके फीचर क्या हैं, सेलेंट फीचर क्या हैं दोस्तों। कि ये स्कीम सबसे पहले तो समझो कि जो हरियाणा सरकार के रेगुलर कर्मचारी हैं उन पर लागू होती है और जो पेंशनर हैं उन पर लागू होती है। हालांकि जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 20/11/2017 को, उस समय कर्मचारी और पेंशनर के जो डिपेंडेंट थे और स्पाउस थे, अर्थात पति या पत्नी और उसके डिपेंडेंट जितने भी थे,
जो इसके मेडिकल रिम्बर्समेंट की फैमिली के अंडर डिफाइन किए गए हैं वो शामिल नहीं थे, लेकिन सरकार के द्वारा लेटर दिनांक 4/4/18 जो आपने स्क्रीन पर देखा, इसके माध्यम से शामिल कर लिए गए, बशर्ते प्रोडक्शन ऑफ एफिडेविट By them declaring spouse dependent along with the copy of Aadhaar card and Aadhaar ID proofs of spouse dependent. ये शर्त लगाई है कि शामिल तो कर लिए, लेकिन कर्मचारी को या पेंशनर को एज द केस में भी जैसा भी है उसको एक एफिडेविट पेश करना पड़ेगा जिसमें वो ये दर्शाएगा कि ये डिपेंडेंट मेरे हैं, मेरी पत्नी पत्नी हैं, और इनके आधार कॉपी और आधार आई डी प्रूफ भी साथ देगा। और इसके लिए डिपार्टमेंट जो है वो पेंशनर का और अपने एम्प्लाई का एक आई कार्ड जारी करेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा ना, और वो ही जो है ना जो आई कार्ड है वो प्राइवेट हॉस्पिटल पेरेंट हॉस्पिटल के द्वारा जो है वो माना जाएगा, आईडी प्रूफ के तौर पर माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। और डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके आईडी कार्ड को आधार के आधार नंबर से लिंक करेगा। तो ये थे इसके मेन फीचर। अब आगे हम जिक्र करते हैं कि इसकी कोई अमाउंट की सीलिंग भी है क्या, क्योंकि लिमिटेड शब्द आया है लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी के, तो लिमिटेड में इसका मतलब सीलिंग भी है कोई या फिर लिमिट है कोई। तो हाँ, पहले लिमिट थी जब ये 20/11/2017 को जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय बताया गया था कि 5 लाख रुपए के इलाज तक सीलिंग है, लेकिन दिनांक 4/4/2018 की अमेंडमेंट जो जारी हुई उसमें इस शब्द को हटा दिया गया, अर्थात ये सीलिंग खत्म हो गई। अब किसी भी कीमत तक, किसी भी अमाउंट तक ट्रीटमेंट कैश होगा, केवल और केवल किनका, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। अब ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये 20/11/2017 को पॉलिसी लॉन्च हुई थी उस समय 6 कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग की बताई गई थी। नंबर 1 कार्डियक इमरजेंसी, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, नंबर 2 एक्सीडेंट्स, नंबर 3 कैंसर की स्टेज, 3rd और 4th 2 स्टेजों पर, और कोमा में चला जाता है कोई एक्सीडेंट के द्वारा, बीमारी के द्वारा किसी भी तरह से कोमा, नंबर 5 पे ब्रेन हेमरेज, और नंबर 6 पे इलेक्ट्रोक्यूशन अर्थात बिजली से जल जाए। तो ये 6 कंडीशन थी, लेकिन दिनांक 8/6/2021 को हरियाणा सरकार के द्वारा अमेंडमेंट जारी की गई। आपने ऊपर रेफरेंस देखा, मैंने इसमें स्क्रीन में भी दिखाया है आपको, देखें 7 नंबर पे COVID-19 भी शामिल कर लिया गया। पहले COVID-19 शामिल नहीं था, लेकिन 8/6/2021 को COVID-19 को भी शामिल कर लिया गया। एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं हम दोस्तों, कि ये एप्लीकेबल किस किस हॉस्पिटल में होती है, कहां कहां से हम इलाज ले सकते हैं, कैशलेस सुविधा हमारे को कहां कहां मिल सकती है। तो इसमें सरकार ने घोषित किया कि दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, कहां कहां, ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इन हरियाणा, हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेज जितने भी है उनमें, ऑल द गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज इन हरियाणा, जितने भी मेडिकल गवर्नमेंट एडेड है, मेडिकल कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट एडेड है उनमें भी लागू होगी। नंबर 3 पे ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो सरकारी अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब में है, और अदर हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ हरियाणा, इनके अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन है हरियाणा के उनमें भी लागू होगी। और नंबर 5 बताया, ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट वाइड मेमो नंबर इतना डेटेड 13/8/2015 आप अपने देश स्क्रीन पर, और 14/11/2017 इनके द्वारा या इनके बाद भी जितने भी अनपैनल किए गए प्राइवेट हॉस्पिटल उन सब में लागू होगी। मेरी इन बातों को जरा ध्यान से देखो और स्क्रीन पर भी देखो, सुनो इनको,
ये सबके काम की बातें हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर में मेडिकल रिएम्बर्समेंट बिल पास करता है, क्योंकि बिल वहां पे आएंगे उसके पास रिएम्बर्समेंट होने के लिए, पेमेंट होने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों के। इसमें रिएम्बर्समेंट तो नहीं होता एम्प्लॉय को, कुछ होता है वो आगे बताऊंगा मैं। और सभी कर्मचारियों के हित की बात है, सभी पेंशनरों के हित की बात है। दोस्तों मैं, मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मैं इनको केवल कर्मचारियों के वर्किंग के लिए या जो एसएस के स्टूडेंट है केवल उनको ज्ञान देने के लिए, मेरा तो मकसद इन वीडियो का ये है कि सभी जो भी कंसर्न इनसे ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो क्लेमेंट है चाहे वो गवर्नमेंट है कि एम्प्लॉय है, वो सारे के सारे इन बातों को ध्यान रखें, इन पर गौर फरमाएं, ताकि किसी का ना नुकसान हो और सबका फायदा हो, सबको ज्ञान मिले। और मेरी बातों को फिर दोबारा ध्यान से देखो। आगे बताया, रेट्स टू बी चार्ज बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। कुछ सरकारी अस्पतालों में भी पैसे लिए जाते हैं, अंडर पीपीपी मोड में कुछ फैसिलिटीज हैं, उसके बारे में जिक्र है। और प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट, इन अस्पतालों में कैसे पैसे चार्ज होंगे, क्या रेट चार्ज किए जाएंगे, वो रेट भी जो है ना सरकार ने बांधे हैं, सीमित किए हैं, कि ये नहीं कि मनमाने रेट चार्ज कर लेगा कोई कैशलेस पॉलिसी में। क्या कहता है, इम्प्लांट्स और डिवाइसेस जो भी होंगी इस प्रकार की, चाहे वो डिवाइसेस जैसे कि पेसमेकर वगैरह आ गया है जी, और इम्प्लांट में आपके कोई और स्टंट वगैरह हैं है जी, इस प्रकार की बातें हैं, वो शैल बी गिवन इन कैशलेस मोड ओनली। ये इम्प्लांट और डिवाइसेस केवल कैशलेस में दिए जाएंगे, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग प्रोविजन, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, बजरते ये माननी जाएंगी। क्या, ए, इफ द कॉस्ट ऑफ द सेम हैज बीन फिक्स्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट एज सर्कुलेटेड वाइड हेल्थ डिपार्टमेंट मेमो नंबर इतना डेटेड 21/5/2015, कि जो सरकार ने 21/5/2015 के लेटर के माध्यम से कोर्ट फिक्स की है, किसकी, इम्प्लांट्स की और डिवाइसेस की, वही रेट होंगे यदि सरकार ने फिक्स किए हैं तो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द रेट ऑफ कार्डियक स्टंट्स एंड नी इम्प्लांट्स इन 2017। कहता है हरियाणा सरकार के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो कार्डियक के स्टंट हैं, हार्ट पेशेंट को आर्टरी में डलते हैं स्टंट और घुटनों के इम्प्लांट, उनके रेट 2017 में फिक्स किए थे सरकार ने, प्रेस्क्राइब किए थे, नोटिफाई किए थे, वो भी वो ही रेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हरियाणा सरकार के रेट की जगह पर वो रेट लागू होंगे, चाहे वो कम हो हरियाणा से या ज्यादा हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। कि कहता वो ही रेट चार्ज होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किए गए 2017 में। सी फॉर इम्प्लांट डिवाइसेज हुज कॉस्ट हैज नॉट बीन फिक्स्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, और वो इम्प्लांट और डिवाइसेज जिनके रेट ना हरियाणा सरकार ने फिक्स किए और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किए, उनके बारे में क्या होगा। कहता है एम्प्लाई और पेंशनर शैल मेक पेमेंट फॉर द सेम एट एंड लेटर गेट इट रिम्बर्स एट पर द एग्जिस्टिंग रिम्बर्समेंट पॉलिसी डेटेड 6/5/2005। कहता है यदि ऐसे कोई डिवाइस लगती है जिसके रेट ना हरियाणा सरकार ने फिक्स किए और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किए, तो उनके बारे में कहा कि एम्प्लाई भुगतान कर दे, हालांकि वो कैशलेस है उसकी बाकी चीजें, लेकिन वो इम्प्लांट और डिवाइस की बात कर रहा है जिनके रेट सरकार ने फिक्स नहीं किए, कहता उनके भुगतान कर दे और बाद में उसको रिएम्बर्समेंट पॉलिसी के तहत जो 6/5/2005 की पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसी एम्प्लाइज की, उसके हिसाब से उसको रिएम्बर्स कर दिया जाएगा, प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। आगे कहा है द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन पीपीपी मोड शैल बी गिवन इन कैशलेस मोड एंड विल बी कंटिन्यू टू बी फ्री फॉर अन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड बेनिफिशरीज। कहते हैं जिन हॉस्पिटलों में पीपीपी मोड पर प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन की है, उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोलते हैं इसको, पीपीपी प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत कुछ लैब टेस्ट हैं, कुछ और आजकल एंजियोग्राफी वगैरह भी पीपीपी मोड में हो रही है, स्टंट भी डल रहे हैं, उनके वो थोड़े चीपर रेट पर है। कहता है वो
भी फ्री होंगे किन के लिए, एम्प्लॉइज के लिए और पेंशनर के लिए, और या इनका कोई बेनिफिशियरी या डिपेंडेंट है उस पर, वहां पीपीपी मोड के जो चार्जेस हैं वो भी नहीं लिए जाएंगे दोस्तों। ये सारी बातें नोट कर लो, द सर्विसेज शैल इंक्लूड, अब ये पीपीपी मोड की सर्विस में कहते हैं कैथ लैब सर्विस भी शामिल है, जो एंजियोग्राफी मैंने बताई, एंजियोग्राफी वगैरह होती है ये कैथ लैब में होती है, स्टंट वगैरह डलते हैं, ये भी उसमें शामिल है, अर्थात इनके भी पैसे अस्पताल नहीं लेगा, सरकारी कैशलेस में होगा ये। दी एक्सपेंडिचर इनकर्ड शैल बी फिट चार्ज अंडर मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना MMIY। एक और नई चीज सामने आई है, क्या है कि जो भी खर्चा होगा सारा का सारा कहां होगा, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना में, इसके तहत खर्चा होगा, इस योजना के तहत खर्चा होगा, वो हॉस्पिटल वाले करेंगे ना इनके तहत, तो क्योंकि पैसा कुछ लेना नहीं सरकार ने, सरकारी अस्पताल में तो कोई पैसा नहीं लेगा, उनके लिए आएगा, उनका बजट यहां आएगा। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोवाइडिंग कैशलेस सर्विसेज टू रेगुलर अना गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन इन द प्रेस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ डिजीज बाय द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, के रेगुलर एम्प्लॉय को और पेंशनर को जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो प्रेस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ डिजीज में इलाज करेंगे, जो भी प्रेस्क्राइब डिजीज हैं, कौन सी, इन छह बीमारियों के छह कंडीशनों में जो भी प्रेस्क्राइब बीमारियां के हैं डिक्लेयर्ड, उनके तहत। आगे कहा गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज शैल बी फिट चार्ज अंडर मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, और जो गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज हैं वो भी जो चार्जेज हैं इसमें किसमें, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की, ये और आगे सस्ते रेट पर है ना, ये उन रेटों पर चार्ज होगा इस स्कीम का नाम आने पर। आगे कहा रेट्स फॉर एनी पैकेज प्रोसीजर सर्जरी लाइक ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट एक्सेट्रा एंड डिवाइसेस इम्प्लांट्स रेट फिक्स बाय हरियाणा गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज एंड एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। कहते हैं जितने भी रेट हैं किसके, चाहे वो पैकेज का इलाज है या प्रोसीजर का इलाज है या सर्जरी का इलाज है, जैसे कि कोई अंग प्रत्यारोपण हो रहा ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड कोई डिवाइस लग रही है कोई इम्प्लांट लग रहा है, तो जो हरियाणा सरकार के द्वारा रेट फिक्स किए गए हैं गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज की एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल भी वही लेंगे, उसके बाहर नहीं ले सकते, उतना ही चार्ज करेंगे, ये उन पर लागू। आगे कहा था प्राइवेट एम्पैनल हॉस्पिटल विल गिव 100% कैशलेस सर्विसेज फॉर द ट्रीटमेंट गिवन अंडर प्रेस्क्राइब पैकेज रेट ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यदि आप प्राइवेट एम्पैनल जो गवर्नमेंट के द्वारा है उनमें इलाज ले रहे हैं और वो यदि आप से इस पर इन बीमारियों में अर्थात इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो मैंने आपको बताई साथ में इनमें यदि कोई पैसा मांगते हैं तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 100% कैशलेस होगी, आपने अपनी जेब से एक नया पैसा नहीं देना उनको प्राइवेट हॉस्पिटल को जो एम्पैनल है, क्योंकि वो कई बार क्योंकि व्यापारी लोग हैं वो तो सोचते हैं जो आ जाए तो अच्छा है, बाद में कर्मचारी और पेंशनर को दिक्कत होगी, वो रिम्बर्स नहीं होगा बिल्कुल भी, इसलिए उनको इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में कोई पैसा ना दे, सारा 100% है एक्सेप्ट उसके जो इस पॉलिसी में कहा गया है कि जो रेट हरियाणा सरकार के द्वारा स्टंट और डिवाइस के फिक्स नहीं है वो अदा कर दे केवल। आगे कहा इफ बेनिफिशियरी ट्रीटेड फॉर एनी कंडीशंस विच इज नॉट कवर्ड बाय प्रेस्क्राइब पैकेज या नॉन पैकेज, तब क्या होगा, यदि ना तो पैकेज रेट मारी उसकी कंडीशन और ना ही नॉन पैकेज रेट मारी जो इलाज किया जा रहा है वो इन दोनों में नहीं है तो क्या होगा, तो क्या उसका इलाज नहीं होगा, नहीं होगा, इस कैशलेस में होगा, कैसे होगा, फोर हॉस्पिटल एम्पैनल्ड एट PGI रेट जमा 75% ऑफ द बेड, वो उन हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में कैसे ट्रीट किया जाएगा जहां पे का इलाज PGI जमा 75%, आप सबको पता है इसका मतलब क्या है, एम्पैनल्ड और प्राइवेट हॉस्पिटल जहां जिनको PGI रेट जमा 75% पर एम्पैनल किया है उनमें कहता है 80% ऑफ ट्रीटमेंट विल बी मेड कैशलेस, वहां का 80% कैश होगा
रहा 20%, उसका क्या होगा, 20% ऑफ द फाइनल बिल हैज टू बी पेड बाय द बेनिफिशियरी विच लेटर ऑन मे बी सबमिटेड बाई द बेनिफिशियरी टू देयर कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर रिम्बर्समेंट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी एज पर एंटाइटलमेंट। कहता जो 20% है वो एम्प्लॉय को, पेंशनर को या बेनिफिशियरी जो भी है उसको देना पड़ेगा, किसको, हॉस्पिटल को देगा वो, और फिर वो बाद में उसको डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे आपको पता है कि एसेंशियल सर्टिफिकेट के ऊपर बिल बना करके रिम्बर्समेंट क्लेम किया जाता है, वो एज पर एंटाइटलमेंट और एज पर मेडिकल पॉलिसी आपको प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा। और जो हॉस्पिटल पीजीआई रेट पर पैनल है, दो प्रकार के होते हैं ना, प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार के, एक पीजीआई जमा 75% जो अभी बता दिया, और दूसरे जो केवल पीजीआई रेट पर पैनल है उनमें कैसा होगा, कहता 50% ऑफ ट्रीटमेंट विल बी मेड कैशलेस, वहां केवल 50% कैशलेस इलाज होगा, और 50% का क्या होगा बकाया का, एंड 50% ऑफ द फाइनल बिल हैज टू बी पेड बाय द बेनिफिशियरी विच लेटर ऑन मे बी सबमिटेड बाय द बेनिफिशियरी टू देयर कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर रिइंबर्समेंट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी एज पर एंटाइटलमेंट। कि जो 50% बकाया होगा वो, जैसे ऊपर बताया कि 20% का प्रतिपूर्ति बाद में होगी कंसर्न डिपार्टमेंट में सबमिट करने के, उसी तरह 50% की उसकी एग्जिस्टिंग मेडिकल पॉलिसी के तहत एज पर हिज और हर एंटाइटलमेंट के हिसाब से भुगतान प्रतिपूर्ति मिल जाएगी, उसको रिइंबर्समेंट हो जाएगी। आगे कहा, इन केस ऑफ पॉलीट्रोमा एक्सेट्रा वेयर मल्टीपल पैकेजेज आर इनलोड, कई बार जैसे कि एक्सीडेंट में हो जाता है ना, तो कई प्रकार के वहां पे उसकी कोई सर्जरी हो रही है, कोई इम्प्लांट डल रहा है, कोई डिवाइस डल रही है, तो कई प्रकार के कई पैकेज रेट शामिल हो जाते हैं बीच में, तो वो फिर इन्वॉल्व फॉर ट्रीटमेंट गिवन इन द सेम सिटिंग, उसी समय जब उसका इलाज हो रहा है ऑपरेटिव प्रोसीजर, देन देयर रिइंबर्समेंट क्लेम्ड बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल शैल बी एज पर द फॉलोइंग फार्मूला बिलो। कहता उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल में निम्नलिखित के अनुसार रेट चार्ज होंगे, ऊपर बताया ना कि पैकेज रेट के चार्ज होंगे, अब कहा कि जहां पे कई प्रकार के पैकेज और जो है ना इम्प्लांट के शामिल हो जाते हैं या सर्जरी के शामिल हो जाते हैं, रेट्स हरियाणा सरकार के द्वारा फिक्स हुआ, उनमें कैसे होगा, तो उसने कहा हाइएस्ट कॉस्ट पैकेज टू बी रिइंबर्स्ड एट 100% ऑफ पैकेज कॉस्ट, जो पैकेज का हाइएस्ट कॉस्ट है उस बिल में जो सबसे ज्यादा है रेट, उसका तुम्हें लगा 100%, और सेकंड हाइएस्ट को का मिलेगा जी 50%, और थर्ड हाइएस्ट का 25%, देखिए आप अपने स्क्रीन पर, तो ये रेट हॉस्पिटल को चार्ज करने पड़ेंगे। आगे कहता है फॉलो अप सर्विसेज इन ओपीडी आर नॉट कैशलेस, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्या कि इलाज तो करवा लिया वहां पे आपने, इंडोर हो गए वो, और जब वापिस आए वहां से तो हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए फिर दोबारा रीचेकिंग के लिए जाना पड़ता है ना, उसको फॉलोअप बोलते हैं। तो कहता फॉलोअप का कोई पैसा कैशलेस नहीं है, वो तो भुगतान करो और फिर एज पर जो आपकी पॉलिसी है उसके हिसाब से होगा। However, subsequently, if there is another episode of similar life-threatening condition, the same shall again qualify for cashless service. कहता ये follow-up का तो पैसा नहीं मिलेगा, हालांकि कहता यदि दोबारा फिर आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि लाइफ थ्रेटनिंग फिर पोजिशन आ जाती है दोबारा, कहता वो फिर उसी तरह ट्रीट होगी, पूरी की पूरी कैशलेस होगी फिर दोबारा। तो आगे दोस्तों कहा कि बिलिंग और पेमेंट कैसे होगी इसकी, अर्थात हॉस्पिटल बिल कैसे करेगा और उसका भुगतान कैसे होगा। कहता द बिल अगेंस्ट द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड वुड बी सबमिटेड टू डीडीओ ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर रिइंबर्समेंट, चाहे वो 80% के बिल हैं या 50% के हैं या 100% कैशलेस के हैं, वो हॉस्पिटल कंसर्न डीडीओ को बिल भेजेगा, और एम्प्लाई भी, एम्प्लाई को पता है उसने बिल कहाँ देना है, अपने 20% के हैं या 50% के हैं जी, तो वो ऐसे होंगे कि डीडीओ को सबमिट किए जाएंगे। अब ये सारी फैसिलिटी तो बता दी दोस्तों, लेकिन सरकार ने एक चेतावनी भी दी है इस पॉलिसी में, इसको सरकार की एडवाइस समझ लो, इसको सरकार की वार्निंग समझ लो, और इसको चेतावनी भी समझा जा सकता है। क्या कहता है, इन केस ऑफ एनी फेक बिल और डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम इज रिपोर्टेड, ध्यान देना कोई भी गलत काम ना करना,
मेरी सभी से सलाह है एचएसएस ऑफिसर होने के नाते क्या कि कोई भी नकली बिल मत देना या डुप्लीकेट बिल मत सबमिट कर देना। बहुत सख्ती है सरकार की तरफ से, चेतावनी दी है इसमें, देखिए आप अपने स्क्रीन पर, कहता है यदि डुप्लीकेट पाया गया, कोई बिल मिल गया, रिपोर्ट होगी, और या कोई नकली बिल फेक झूठा बिल पाया गया तो क्या होगा, वो बेनिफिशियरी अर्थात वो एम्प्लाई पेंशनर और इंस्टीट्यूशन भी, कौन सा हॉस्पिटल जिसने नकली बिल दिए हैं या झूठे बिल दिए हैं या डुप्लीकेट दिए हैं, ये दोनों के दोनों पेनल्टी के योग्य हैं, इनको पेनलाइज किया जाएगा। कैसे? एम्प्लाई को तो किया जाएगा, पेंशनर को मेजर पेनल्टीज, कौन सी? हरियाणा सिविल सर्विसेज पनिशमेंट अपील रूल्स के तहत जो मेजर पेनल्टी होती है दोस्तों, और आपको मालूम होना चाहिए मेजर पेनल्टी जो है विद फ्यूचर इफेक्ट कुछ इंक्रीमेंट रोकने से लेकर के डिसमिसल रिमूवल ऑफ सर्विस तक है। एज द केस में भी जो भी उस इंक्वायरी में आएगी, जो भी उसकी फाइनलाइजेशन में आएगी सरकार के, वो करेगी। तो इसलिए नकली बिल और झूठे बिल और डुप्लीकेट बिल सबमिट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। गलती से भी चार बार पढ़ना कोई बिल सबमिट कर रहे हैं तो ये गलत तो नहीं होगा, झूठा तो नहीं है। कोई अस्पताल ने डुप्लीकेट, अस्पताल भी डुप्लीकेट कर सकता है क्योंकि, लेकिन उसमें आपके डुप्लीकेट में साइन नहीं होने चाहिए। यदि आपने डुप्लीकेट में साइन कर दिए तो आप भी जिम्मेवार हैं, आप ही जिम्मेवार हैं उसके, और ये एक्शन के लाइएबल होंगे आप। और आगे कहा कि यदि हॉस्पिटल करता है तो उसका क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय ने तो किया नहीं, साइन किए नहीं एम्प्लॉय ने झूठे बिल पे, तो एम्प्लॉय तो सेफ हो गया ना। हॉस्पिटल कर रहा है अपने लेवल पे डुप्लीकेट दे रहा है या झूठा बिल दे रहा है बिना साइन के एम्प्लॉय के या पेंशनर के, इलाज नहीं करवाया उसने, तो उसमें कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट उसको डीएम पैनल कर देगा। और ये जिम्मेवारी किसकी है, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट टू सेंड द केस टू हेल्थ डिपार्टमेंट, के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जहां पर बिल वो सबमिट हुए हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट को सेंड केस सेंड करे इस प्रकार के जी झूठे हैं, ताकि कार्रवाई की जा सके। तो ये दोस्तों कैशलेस लिमिटेड कैशलेस मेडिकल पॉलिसी थी हरियाणा सरकार की, इसका फायदा उठाइए, इसकी जो प्रोविजंस है उनके अंतर्गत ही फायदा उठाइए। मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी सरकार की रूल्स या पॉलिसी किसी भी एम्प्लॉय का नुकसान नहीं करती, फायदा फायदा ही होता है रूल से, रूल और पॉलिसियां बनती ही फायदे के लिए दोस्तों। तो आप इन फैसिलिटी का पूरी तरह लाभ उठाइए और जो है ना इनको समझ के और लागू भी कीजिए अपनी सीटों पर जहां तुम काम कर रहे हो। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।